हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेपी भाट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैं अपने यूट्यूब वीडियो को कैसे बनाता हूं, कौन सा मैंने सेटअप लगाया हुआ है, तो कौन कौन सी मैं लाइट यूज़ करता हूं। दोस्तों, मैं कुछ मतलब ज़्यादा लाइट नहीं यूज़ करता, एक दो मैंने लाइट लगाई हुई है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपको आज उनके बारे में बताऊँगा कि कौन कौन सी लाइट लगाई हुई है और किस तरह का मैंने यूट्यूब वीडियो के लिए सेटअप लगाया हुआ है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लाइटिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने रिंग लाइट लगाई हुई है और रिंग लाइट के आगे मैंने एक अम्ब्रेला लगाई हुई है जिससे मेरे फेस के ऊपर सॉफ्ट लाइट पड़ती है। तो ये होगी दोस्तों फ्रंट लाइट, और ये होगी एक और एक्स्ट्रा लाइट लगाई हुई है मैंने, जिसे एमरजेंसी लाइट कह देते हैं, टीनी लाइट। और जैसे मैं जहाँ पर बैठता हूँ तो फेस के एक साइड शेडो पड़ती है, तो शेडो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मैंने ये लाइट लगाई हुई है। दोस्तों, ये है मेरा कैमरा कैनन 5D Mark IV, जिसके ऊपर मैं सभी वीडियो शूट करता हूँ। और इसके आगे है ये टेबल, जिसके ऊपर मैं जैसे कोई अनबॉक्सिंग वीडियो शूट करनी है तो इसके ऊपर ही रख के मैं वो अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो दोस्तों, वो पीछे देख सकते हैं आपके मेरा एडिटिंग टेबल लगा हुआ है, तो बैकग्राउंड के लिए मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ LED लाइट वगैरह लगी हुई हैं जो बैकग्राउंड को थोड़ा सा क्रिएटिव बना देती हैं। तो दोस्तों, ये लगी हुई है RGB लाइट है गोडक्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड में मैं कलर को किसी भी कलर को फिल कर सकता हूँ इसके साथ, ताकि जो थोड़ी सी क्रिएटिव लगे, अट्रैक्टिव लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसका रिमोट है, इससे मैं कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी रेड किया हुआ है, ये ग्रीन, ब्लू, ऐसे दोस्तों किसी भी कलर में मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये जो लाइट है गोडक्स की, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप इसकी पूरा रिव्यू वीडियो का देख सकते हैं, अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। और ये है मेरा एडिटिंग टेबल दोस्तों, जो मेरी वीडियो के आप बैकग्राउंड पर हमेशा ही देखते हैं। ये पड़ी है मेरी लेंस किट। ज़्यादातर तो मैं दो ही लेंस यूज़ करता हूँ यूट्यूब के लिए, एक तो 50mm और एक है 35mm। अगर दोस्तों लाइटिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इस सीन में सिंगल लाइट लगी हुई है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो फेस पे शेडो थी वो फिल लाइट के साथ बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों, जो बैक लाइट है उसकी वजह से हमारी वीडियो को एक सिनेमैटिक सी लुक मिल गई है। दोस्तों, इसके बाद मैं थोड़ी सी हल्की सी वीडियो की कलर ग्रेडिंग करता हूँ। कलर ग्रेडिंग के बाद क्या फ़र्क पड़ता है आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बिफ़ोर और आफ्टर करके भी दिखाया है, आप देख सकते हैं कि विदाउट ग्रेड और विद कलर ग्रेड दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। इन चार तस्वीरों को देख के दोस्तों आपको पता चल चुका होगा के लाइटिंग का कितना बड़ा वीडियो के ऊपर इफेक्ट है। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ, एक लेंस है ये 16-35, इसका भी काफ़ी यूज़ होता है। जैसे कि दोस्तों, कुछ वीडियो में आउटडोर शूट करता हूँ तो वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसे टैली और वाइड ये दोनों हो जाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि अभी मैंने वाइड किया हुआ है तो आपको पूरा फ्रेम दिख रहा है। अगर मुझे कोई क्लोज सीन दिखाना है तो यहीं से ये क्लोज हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको टैली भी मिलेगा, वाइड भी मिलेगा। अगर आप ब्लॉग कर रहे हो या कुछ आउटडोर वीडियो बना रहे हो तो उसके लिए ये लेंस सबसे बेस्ट है। जब दोस्तों मैं कोई वीडियो अपनी इंडोर शूट करता हूँ तो सिर्फ मैं दो ही लेंस यूज़ करता हूँ, एक है 35mm और दूसरा है 50mm। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।